हेलो गाइस, आई एम वैशाली खीकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंजीनियरिंग. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है व्हाट इज़ आईओटी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी. आई होप आपने पुरानी वीडियोस देख ली. अगर नहीं देखी हैं तो इसी प्लेलिस्ट में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आईओटी होता क्या है, इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं. नाउ बेस्ड अपॉन आईओटी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक विच इज़ स्मार्ट सिटी. आप सबने स्मार्ट सिटी वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़ में, किसी ना किसी पॉलिटिशियन के मुँह से कि हम इस सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम इंडिया में इतनी सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे. तो अभी इंडिया में कितनी स्मार्ट सिटीज़ हैं? अभी तक तो फुली स्मार्ट एक भी सिटी नहीं है. सो क्या होता है स्मार्ट सिटी, किस पैरामीटर्स की वजह से कोई भी सिटी स्मार्ट सिटी बनती है, वो चीज़ देखेंगे. फर्दर आईओटी कैसे किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने में हेल्प कर सकता है, ये हम इनिशिएटिव देखेंगे, राइट. सो इसके लिए पता होना चाहिए कि आईओटी क्या है. आईओटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने फिजिकल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं. फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, जो हम अपने आसपास सराउंडिंग में देख पा रहे हैं, वो है मेरा फिजिकल वर्ल्ड. वर्चुअल वर्ल्ड इंटरनेट, इंटरनेट रिलेटेड वर्ल्ड. सो हम दोनों वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, राइट. और हमने और भी एडवांटेजेस देखे थे आईओटी के, आई होप आपने देखा होगा लास्ट वीडियो. सो विद द हेल्प ऑफ आईओटी वी कैन मेक द स्मार्ट सिटीज. अभी देखते हैं स्मार्ट सिटीज होता क्या है. स्मार्ट सिटीज में बेसिकली हम आईसीटी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आईसीटी टेक्नोलॉजी किस लिए यूज करते हैं, टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक. एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसी भी सिटी की बढ़ाने के लिए, राइट. सो लेट्स सपोज मैं पूरी सिटी में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रही हूँ, उसको रिड्यूस करने के लिए वी कैन यूज द आईओटी. जैसे आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती है. कभी कभी पहले क्या होता था, स्ट्रीट लाइट्स दिन में भी ऑन रह जाती थी. नाउ वी हैव मेड देम स्मार्ट. कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो सराउंडिंग में देखता है कि अब लाइट डिम हो गई है, लाइट कंडीशंस अब इतनी ब्राइट नहीं है सराउंडिंग में, तो स्ट्रीट लाइट्स ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी सेव हुई, एफिशिएंसी बढ़ गई. शेयर इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक, इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए वी कैन यूज आईसीटी, राइट. जैसे कि हम इंटरनेट को तो यूज करते ही हैं. एंड इट प्रोवाइड्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ई गवर्नमेंट सर्विसेज. जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा अभी ई गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं. वी कैन अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट सर्विसेज सिटिंग एट आर होम. अपने घर में बैठकर ही हम बहुत सारी सर्विसेज, आपको लाइसेंस बनवाना है, आधार कार्ड रिन्यू करवाना है, बहुत सारी सर्विसेज आपके घर में बैठकर ही हो सकती हैं इंटरनेट की हेल्प से. सिटीजन वेलफेयर स्कीम्स हमारी इंटरनेट पे चलने लग गई हैं, राइट. सो जैसे कि हमारे पास जो पेंशन्स आती हैं वो सब ऑनलाइन होने लग गया है. द मेन गोल ऑफ स्मार्ट सिटी इज टू ऑप्टिमाइज द सिटी फंक्शंस. सिटी फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाना, ये है मेन गोल हमारे स्मार्ट सिटी के. तो हमें स्मार्ट सिटी क्यों बनानी है, लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, राइट. ऑब्वियसली किसी भी सिटी से हमारी यही एक्सपेक्टेशन है, अगर हम विलेज से सिटी की तरफ जाते हैं अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए. विलेज से कोई पर्सन सिटी में इसीलिए ही जा रहा है ताकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ वो ज़्यादा अर्न कर सके. सेम ही काम है स्मार्ट सिटी का. सिटी से स्मार्ट सिटी बनेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, सिटी के फंक्शंस ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, राइट. सो जो भी सिटीजन्स हैं वो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, डेटा एनालिसिस होएगा, राइट. इन सब की हेल्प से हमारी सिटी स्मार्ट सिटी बन जाएगी. So now the value lies in how technology is used rather than simply how much technology is available. हम technology तो उतनी ही है, technology same ही है, 4G ही used है. तो 4G से हमने कैसे e-governance कर दिया दिल्ली में. So कितनी technology available है ये मतलब नहीं है, कितनी technology को हम अच्छे से use कर पा रहे हैं, this is the meaning to make a city smart city. Now कैसे हम किसी भी सिटी की स्मार्टनेस को डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे कि द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अराउंड द टेक्नोलॉजी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बना है या नहीं.
कुछ एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या नहीं? जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ पुल के जो पिलर्स होते हैं उस पर हमारे पास फार्मिंग हो रखी है, उस पर बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, वो एनवायरमेंटल इनिशिएटिव है। जो हमारे पास पुल के नीचे फार्मिंग हो रही है, जो हमारे पिलर्स थे वो वैसे भी किसी और काम नहीं आ रहे थे तो वहाँ पर प्लांट्स लग गए। नाउ इट इज़ गिविंग ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स वहाँ पर लग गए हैं। आप देखेंगे दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे पुल हैं जहाँ पर पुल के पिलर्स पर ही प्लांट्स लगे हुए हैं। इट इज़ गिविंग मी द इफेक्टिव एंड हाईली फंक्शनल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कितना अच्छा है, कितना फंक्शनल है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर है टू मेक अ सिटी स्मार्ट। देन वी हैव अ कॉन्फिडेंट एंड प्रोग्रेसिव सिटी प्लान्स। सिटी के प्लान्स कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, फर्दर प्लान्स कि अब सिटी में नेक्स्ट चेंजेस क्या आने चाहिए, वो प्लान्स कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं। और लास्ट करेक्टरिस्टिक इज पीपल आर एबल टू लिव एंड वर्क विद इन द सिटी यूजिंग इट्स रिसोर्सेज और नॉट, या फिर लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, लोग उस सिटी के अंदर ही अपने लिविंग अर्न कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो नियर बाय सिटीज में जा रहे हैं। सो दिस इज अगेन अ करेक्टरिस्टिक फॉर अ स्मार्ट सिटी। कमिंग टू द स्मार्ट सॉल्यूशन, अब इस अगर आप फिगर को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं। इन सॉल्यूशंस को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको स्मार्ट सिटी एज अ होल समझ आ जाएगा। एक स्मार्ट सिटी में कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए, कौन कौन से स्मार्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज, जो कि हम मैंने आपको बताया दिल्ली में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। ई गवर्नेंस क्या होता है, जैसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ग्रीवांस रिड्रेसल ऑनलाइन हो जाए, राइट? तो पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो सब ऑनलाइन, राइट? कुछ ग्रीवांसेज आ रहे हैं, मैंने कुछ अप्लाई करा था, लेट सपोज मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा, मेरे कुछ ग्रीवांसेज आए, मैंने ऑनलाइन ही उनको भेज दिया, ऑनलाइन ही उस पर मेरे को कुछ रिप्लाई मिल गया। सो दिस इज ग्रीवांस रिड्रेसल। देन द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन गेट एनी डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर मैं अभी आधार कार्ड के लिए अप्लाई करती हूँ, मुझे आधार कार्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय ईमेल मुझे आधार कार्ड मिल जाता है, राइट? अभी जो है आधार कार्ड है, हमें आधार कार्ड की वेबसाइट पे UIADI की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो अगेन ई गवर्नेंस सर्विस, राइट? तो हमारे पास जो डिलीवरी हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, हम एक वेबसाइट पे जा रहे हैं, आधार कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं, तो दिस इज़ माय इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, राइट? जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं और क्रेडिट कार्ड आपको ऐप में दिखने लग जाता है, क्रेडिट कार्ड आपके घर पे भी डिलीवर हो रहा है बट उससे पहले ही आपको आपकी मोबाइल ऐप में क्रेडिट कार्ड दिखने लग गया है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी। यही सेम चीज़ गवर्नेंस में भी हो रही है। सिटीजन एंगेजमेंट में भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हम लोग डेटा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो जैसे कि यूट्यूब को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मन की बात सेगमेंट लेकर आते हैं जो कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, तो यहाँ पर हम सिटीजन एंगेजमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। सिटीजन्स सिटी आईज एंड ईयर्स, सो सिटीजन्स के लिए हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सिटीजन्स ही जो है सिटी के आई हैं और ईयर्स हैं, राइट? तो उनके लिए सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड कर रहे हैं। देन द वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग, जो क्राइम मॉनिटर हो रहा है वो ऑनलाइन, हमने बहुत सारे कैमरा लगा दिए हैं। अब आप दिल्ली में देखेंगे तो रोड पर आपको बहुत सारे कैमराज दिखेंगे, अब कैमरा से ही पता लग जाता है कि ओवर स्पीडिंग हो रही है किसी व्हीकल की या नहीं। सो कैमरा से ही क्राइम मॉनिटर हो रहा है, राइट? देन कमिंग टू द वेस्ट मैनेजमेंट, अब जो दिल्ली है वो वेस्ट मैनेजमेंट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दिल्ली अपना वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ही आई कैन नॉट से कि दिल्ली इज अ स्मार्ट सिटी। सो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वेस्ट टू एनर्जी एंड फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन। वेस्ट से कैसे हम एनर्जी और फ्यूल बना सकते हैं, हमारे पास रोज हर हाउस होल्ड में बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, इस वेस्ट को हम यूज कर सकते हैं टू जनरेट एनर्जी, राइट? तो इस इनिशिएटिव को हम स्मार्ट इनिशिएटिव बोलेंगे और स्मार्ट सिटीज में होता है। वेस्ट टू कंपोस्ट, वेस्ट से कंपोस्ट बनाना, वेस्ट वाटर टू बी ट्रीटेड, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं, फिल्टर्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज फिल्टर्स हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर फिर से हम फ्रेश वाटर बना सकते हैं। तो दिस इज हैपनिंग इन द स्मार्ट सिटीज, रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन ऑफ CND वेस्ट, राइट? सो जो भी हमारा केमिकल रिलेटेड वेस्ट है, राइट?
उस वेस्ट को रिड्यूस करना, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है, उनको रिड्यूस करना, रिसाइकल करना. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्मार्ट सिटी. वाटर मैनेजमेंट, सो स्मार्ट मीटर्स एंड मैनेजमेंट. हर घर के अंदर एक स्मार्ट मीटर लग जाए, उसका मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए. लीकेज आइडेंटिफिकेशन एंड द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. सो कहीं पर जैसे हमारे वाटर सप्लाई में कहीं लीकेज हो गई, अब वाटर सप्लाई में लीकेज कहाँ हो रही है, वाटर सप्लाई की लीकेज पता करने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है और उसकी वजह से रोड्स भी खराब हो जाती हैं. सो हमें पहले ही पता लग जाए कि लीकेज कहाँ पर है और लीकेज को हम ठीक कर दें. सो दैट इज अगेन अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्मार्ट सिटी इन वाटर मैनेजमेंट. वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग. कभी कभी क्या होता है, वाटर की गंदी क्वालिटी की वजह से बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड हो जाता है, राइट. सो वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर वाटर की क्वालिटी मेंटेन्ड नहीं है, बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं. स्मार्ट सिटी में हमारे पास वाटर मैनेजमेंट ऐसा होएगा कि वाटर क्वालिटी मेंटेन्ड रहेगी, वाटर क्वालिटी खराब डिग्रेड नहीं होएगी. कमिंग टू द एनर्जी मैनेजमेंट, हमारे पास स्मार्ट मीटर होंगे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैनेजमेंट. रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा हमारे पास. हमारे पास रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक जैसे हमारे पास विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, राइट. उसके अलावा हमारे पास सोलर पैनल्स, ये सब हमारे रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. एनर्जी एफिशिएंट एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, जैसे कि सोलर पैनल लगा हो बिल्डिंग्स के अंदर, राइट. सो ये हमारी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो जाएगी. अर्बन मोबिलिटी, जो मोबिलिटी है वो भी स्मार्ट होनी चाहिए, लाइक स्मार्ट पार्किंग, राइट. इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, जैसे अगर किसी स्ट्रीट पर पर्टिकुलर स्पीड स्ट्रीट पर पर्टिकुलर रोड पर ज़्यादा हमारे पास व्हीकल्स हैं, तो वहाँ के जो ग्रीन लाइट है वो ज़्यादा देर के लिए हो, तो दिस इज़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट. अगर किसी स्ट्रीट पर किसी रोड पर हमारे पास कम व्हीकल्स हैं, तो वहाँ पर रेड लाइट थोड़ी ज़्यादा देर के लिए हो जाए, जहाँ पर ज़्यादा व्हीकल्स हैं वहाँ पर ग्रीन लाइट थोड़ी ज़्यादा देर के लिए हो जाए, तो इससे हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. वी नो इन पीक आवर्स जो सिटीज़ में ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में रेड और ग्रीन लाइट हो रही है दोनों साइड. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. Then we have integrated multimodal system. So integrated multimodal transport भी होना चाहिए in the urban mobility. इसके अलावा telemedicine and tele-education. Telemedicine में हम क्या करते हैं कि जो doctors हैं वो particular app पर particular websites पर available होते हैं, आप लोग किसी भी doctor को contact कर सकते हैं with the help of that app, right? So telemedicine is the contact of the doctor with the help of the internet. या फिर एजुकेशन, जैसे कि अभी आप एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं आप विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, राइट. सो यूट्यूब से आप एजुकेशन ले रहे हैं, ऐप से आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये जो एजुकेशन है आपके लिए टेली एजुकेशन है. आपको मेरे ऑफिस पे फिजिकली नहीं आना पड़ रहा है, यू आर कॉन्टेक्टिंग विद मी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट. इसके अलावा इंक्यूबेशन और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर्स, तो जो इंक्यूबेशन सेंटर रहेंगे, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर रहेंगे, इन सबको अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं. स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी ऑनलाइन कन्वर्ट, राइट. सो ये सब हैं हमारे स्मार्ट सॉल्यूशंस. अब जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, इट इज़ यूजिंग अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूजिंग अ वैरायटी ऑफ यूजर इंटरफेस, इट इज़ यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क अलॉन्ग साइड द इंटरनेट ऑफ थिंग. IoT तो जस्ट एक कॉम्पोनेंट है, इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी यूज होते हैं टू डिलीवर द कनेक्टेड सॉल्यूशन टू द पब्लिक. पब्लिक को अच्छे सॉल्यूशन देने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है. इन सब टेक्नोलॉजी में IoT बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी. IoT इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा. वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, IoT इज द एबिलिटी टू कनेक्ट द फिजिकल वर्ल्ड विद द वर्चुअल वर्ल्ड. तो सारे डिवाइसेस जितने भी हैं उन सबको हम कनेक्ट कर रहे हैं, वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है. दिस कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम व्हीकल टू द होम अप्लायंसेज एंड ऑन स्ट्रीट सेंसर्स एज वेल. हम व्हीकल्स को, होम अप्लायंसेज को ऑन स्ट्रीट सेंसर्स की हेल्प से हम कनेक्ट कर रहे हैं. डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज डिवाइसेज इज स्टोर्ड इन द क्लाउड और इन सर्वर टू अलाउ फॉर द इम्प्रूवमेंट टू बी मेड टू बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर,
राइट सो ये जो डेटा कलेक्ट होता है ये हम क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं. डेटा स्टोरेज क्यों कर रहे हैं? जिससे कि फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सके हम टेक्नोलॉजी में और फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सके यूजर को पर्टिकुलर बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, यूजर को पर्टिकुलर स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए. तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ IoT एंड ऑल दीज टेक्नोलॉजीज. इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं और सिटीजन्स की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सकती है. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो कि होती है APIs. APIs आपने सुना होगा, APIs हम यूज करते हैं स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर टास्क रिपीटेड वे में करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो टास्क खुद से हो जाए उस पर्सन का. मुझे रोज सुबह उठना है, मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना है बट मुझे सैटरडे संडे में 6 बजे नहीं उठना है. तो स्मार्ट सॉल्यूशन क्या बन सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मैं अलार्म को सेट कर सकती हूँ और अलार्म सेट करने के साथ ही मेरे कॉफी मेकर स्टार्ट हो जाए. सैटरडे संडे मेरे को कॉफी नहीं पीनी है, मेरे को चाय पीनी है तो सैटरडे संडे कॉफी मेकर स्टार्ट ना हो. सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हमें चाहिए होती है ताकि क्लाउड पे डेटा स्टोर हो सके, क्लाउड से ही डेटा को हम मैनेज कर सके. देन वी रिक्वायर डैशबोर्ड्स, वी रिक्वायर मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है. इसके अलावा हमें मैश नेटवर्क रिक्वायर्ड है. राइट, नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कमिंग टू द फीचर्स ऑफ द स्मार्ट सिटीज, सो जैसे कि हम ऑटोमेशन मशीन लर्निंग और IoT को कंबाइन कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिल रहा है? स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी मिल रही है फॉर अलॉट ऑफ एप्लीकेशंस. जैसे कि हमें स्मार्ट पार्किंग मिल रही है. स्मार्ट पार्किंग से क्या होता है कि जो ड्राइवर्स हैं उन्हें पार्किंग स्पेस मिल पा रहा है आराम से. इट अलाउज फॉर द डिजिटल पेमेंट ऑल्सो. लाइक अगर मैं रोज रोज किसी पर्टिकुलर डिजिटल पेमेंट को कर रही हूँ तो मुझे पता, मेरे स्मार्ट एप्लीकेशन से पता लग जाएगा कि मेरे को ये डिजिटल पेमेंट रोज करनी है. जैसे कि आई गो टू माई ऑफिस एवरी डे, तो उस एवरी डे फॉर मी टू गो टू ऑफिस आई हैव टू रिचार्ज माई मेट्रो कार्ड लाइक आफ्टर 5 days. मैं 5 days के बाद फिर से अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए. 5 days के बाद मेरा मेट्रो कार्ड ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाए. सो दैट इज़ अ डिजिटल पेमेंट इन द स्मार्ट सॉल्यूशन. फिर अनदर एग्जांपल वुड बी स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट. ये तो मैंने आपको बताया ही था कि इट मॉनिटर्स द ट्रैफिक फ्लोज एंड ऑप्टिमाइज द ट्रैफिक लाइट टू रिड्यूस कंजेशन. कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए रेड और ग्रीन लाइट का जो ड्यूरेशन है ये चेंज कर सकता है. राइट, इट gives the ride sharing services. तो राइड शेयरिंग, जैसे मेरे को और एक और पर्सन को सेम ही जगह जाना है, वी रिक्वायर अ कैब फॉर दैट. सो अब राइड शेयरिंग हो जाए, मैं इस लोकेशन से जा रही हूँ और दूसरे पर्सन को बीच के एक लोकेशन से पिकअप करें और हम सेम डेस्टिनेशन पे चले जाएं. तो दिस इज राइड शेयरिंग. यहाँ पर भी हम स्मार्ट सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं. स्मार्ट सिटी इज ऑल्सो यूज इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल एफिशियंसी. एनर्जी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल एफिशियंसी में भी यूज होते हैं. जैसे कि स्ट्रीट लाइट का एग्जाम्पल दिया था, जब रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है तो स्ट्रीट लाइट खुद से डिम हो जाए. सो सच अ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेशन टू मेंटेनेंस एंड प्लानिंग टू पावर सप्लाईज. ऑपरेशन, मेंटेनेंस, प्लानिंग, पावर सप्लाई तक सारी चीज़ें स्मार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस. स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है अभी, राइट, सो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का इशू हर साल आता है. एयर पॉल्यूशन के इशू को कॉम्बैट करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन वाया द इंटरनेट इनेबल्ड रबिश कलेक्शन बिन्स एंड फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम. सैनिटेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरनेट से कनेक्ट कर, रबिश कलेक्शन कर सकते हैं इंटरनेट से, बिन्स से, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम से. राइट, सो इसके अलावा वी कैन हैव द सेफ्टी मेजर्स लाइक मॉनिटरिंग एरिया ऑफ हाई क्राइम. वी कैन मॉनिटर द एरिया ऑफ हाई क्राइम विद द हेल्प ऑफ कैमराज. कैमराज लगा सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है या नहीं. और यूजिंग सेंसर्स टू इनेबल एन अर्ली वार्निंग इंसिडेंट लाइक फ्लड्स, लैंडस्लाइड, हरिकेन्स और ड्रॉट. हमें अर्ली वार्निंग मिल जाए अगर कोई फ्लड आने वाला. आपने देखा होगा कि न्यूज़ में बहुत बार आता है कि इस जगह पर फ्लड आने वाला है, इस जगह पर हरिकेन आने वाला है, राइट, सो इस जगह पर लैंडस्लाइड आने वाले. सो वो पहले से ही पता लग जाए जिससे कि लोग उस एरिया को खाली कर दें. स्मार्ट बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं विच कैन ऑफर रियल टाइम स्पेस मैनेजमेंट. रियल टाइम स्पेस मैनेजमेंट मिल जाए, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग मिल जाए, फीडबैक टू डिटरमाइन व्हेन रिपेयर्स आर नेसेसरी. हमें
पहले ही पता लग जाए कि ये वाला हमारा बल्ब खराब होने वाला है और हमें रिपेयर कराना है। अगर हमारे पास कोई कोई हमारा डिवाइस खराब होने वाला है, हमें पहले ही पता लग जाए और हम रिपेयरिंग पहले से ही करा लें। सो ऑफिशियल्स को कोई प्रॉब्लम्स को नोटिफाई ग्रीवेंसेस को डालने के लिए अगर हम इंटरनेट का यूज़ करें, सच हैज पॉट होल्स, अगर हमारे एरिया में पॉट होल्स आ गए हैं, हम ऑनलाइन इसका ग्रीवांस डाल सके, राइट। सेंसर्स कैन ऑल्सो मॉनिटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, सेंसर से हम जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उसमें वाटर पाइप लीक को पता कर ले। दीज आर द स्मार्ट सॉल्यूशंस। इन एडिशन, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। इस वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सके, इट्स अ स्मार्ट सॉल्यूशन। अर्बन फार्मिंग, एनर्जी यूज and more, right? So smart cities can connect all manner of services to provide joined up solution for citizen. सारी services को connect कर joined up solutions ला पा रहे हैं citizens के लिए। तो कुछ steps होते हैं यहाँ पर smart cities में, कुछ smart cities कुछ steps को follow करते हैं जिससे कि quality of life improve हो जाता है, economic growth मिलती है through the network of connected IoT devices। जैसे कि first is collection, collection means जो sensors हैं वो real data को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस, जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको एनालाइज करेंगे जिससे कि उसके बारे में इंसाइट्स मिल सकें, राइट। सिटी के ऑपरेशन, सिटी के सर्विसेज के बारे में इंसाइट्स मिल सकें। उसके बाद कम्युनिकेशन, सो इसके बाद जो डेटा एनालाइज करा उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा डिसीजन मेकर्स तक, डिसीजन मेकर्स तक दिस डेटा शुड बी गिवन, राइट। सो जो एनालाइज आया उसके रिजल्ट को डिसीजन मेकर्स तक लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट तक लेके जाना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो ऐसा है। अब डेटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या लेगी, एक्शंस लेगी। एक्शन इज टेकन टू इम्प्रूव द ऑपरेशंस, मैनेज एसेट्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सिटी लाइफ फॉर द रेजिडेंट्स, राइट। सो एसेट्स को इम्प्रूव करना, एसेट्स को मैनेज करना, ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना और रेजिडेंट्स की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब स्मार्ट सिटी कैसे वर्क करती है, ICT जो फ्रेमवर्क है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द स्मार्ट सिटी। ये क्या करता है, सारे रियल टाइम डेटा को कनेक्टेड एसेट से लेकर आता है, राइट। सारे डेटा को एक साथ लेकर आता है, ऑब्जेक्ट से, मशीन से, एसेट से लेकर आता है और ICT से ही डिसीजन मेकिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं जिससे कि डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाए। Citizen can engage and interact with the smart city ecosystem through mobile devices and connected vehicle and also buildings. So mobile devices में, vehicles में, buildings में हम अपना smart city ecosystem use कर सकते हैं, right? So जो devices हैं उसको हमने data से pair कर दिया, infrastructure से pair कर दिया, now we can cut the cost, we can improve the sustainability, we can have the अदर स्ट्रीमलाइन फैक्टर, जैसे कि वी कैन हैव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिफ्यूज कलेक्शन और वी कैन ऑफर रिड्यूस ट्रैफिक कंजेक्शन एंड इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी। ये तो हमने सब देख ही लिया है, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द स्मार्ट सॉल्यूशन। अब जो एक स्मार्ट सिटी है इसे एक अर्बन एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिससे कि हाई क्वालिटी लाइफ दे सके रेजिडेंट्स को और साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक तो हमें हाई क्वालिटी लाइफ चाहिए साथ में हमें पैसा भी चाहिए, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी सेम ही सिटी से मिल सके, हमें दूसरी सिटी में ना जाना पड़े काम करने के लिए। दिस मीन्स डिलीवरिंग अ सूट ऑफ जॉइंट अप सर्विसेज टू द सिटीजन्स विच रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। साथ में हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज मिल जाए जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी सर्विसेज यूज करे जिससे उसकी कॉस्ट ऑपरेशन फॉर अ सिटी कम हो जाती है तो वो टैक्सेस कम कर देगी हमें और हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल जाएंगे, राइट। सो दिस बिकम्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ इन द अर्बन एरियाज। हमें पता है कि रोज बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज। अब सिटीज में इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ चुका है और आगे और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस लाने ही पड़ेंगे, राइट। अगर हम ज्यादा एफिशिएंट यूज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का सो हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को टॉलरेट करने की पावर आ सकती है सिटी में। स्मार्ट सिटी सर्विसेज एंड एप्लीकेशन विल अलाउ फॉर दीज इंप्रूवमेंट्स विच विल लीड टू अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन। सिटीजन की हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन। It can also give the improvement, it also provide new value from the existing infrastructure. Existing infrastructure को use करेंगे, बस उसको अच्छे से use करेंगे, better way में use करेंगे, right? So it creates new revenue streams also,
जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसको बढ़ा देगा, ऑपरेशनल कॉस्ट को डिक्रीज कर देगा और जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उन्हें बढ़ा देगा. ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ जाएंगी, मनी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट और सिटीजन के लिए लाइफ अच्छी हो जाएगी. अब नाउ वी हैव सम सिक्योरिटी कंसर्न्स आल्सो लाइक अवेलेबिलिटी. सो जो हमारा डेटा है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, रियल टाइम विद रिलायबल एक्सेस. Right, so data should be always available in real time, which is a security concern for us. Right, so it should be in reliable access also. Jo data hum available kara rahe hain should be reliable, should be real time. So this is again a concern for us. So ये डेटा क्यों चाहिए? सो दैट हमारे जो फंक्शन है वो मॉनिटर हो और उससे स्मार्ट सिटी का फंक्शन मिले. बट हमें डेटा देना भी तो पड़ रहा है, हमें ऑलवेज वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट, हमें इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ेगा. इंटीग्रिटी, अब जो डेटा है इट शुड नॉट बी रेडिली अवेलेबल बट इट ऑल्सो मस्ट बी एक्यूरेट. डेटा शुड बी एक्यूरेट ऑल्सो, राइट. ये डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, हमारे एंड से भी हमें एक्यूरेट डेटा ही देना पड़ेगा. मैन्युपुलेशन से सेफगार्ड करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है. कॉन्फिडेंशियलिटी मींस कि जो हमारा जो सेंसिटिव डेटा है उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा. इसके लिए हम फायरवॉल्स यूज कर सकते हैं और द एनोनिमिटी ऑफ डेटा बना सकते हैं. अकाउंटेबिलिटी, सो अगर यहाँ पर कुछ इशू हो जाता है उसके लिए कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. सिस्टम यूजर नीड टू बी अकाउंटेबल, साथ में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, साथ में यूजर्स को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा फॉर देयर एक्शंस एंड इंटरेक्शन विद द सेंसिटिव डेटा सिस्टम. इफ अ पर्सन इज यूजिंग द सेंसिटिव डेटा उसको बहुत अकाउंटेबल होना पड़ेगा जिससे कि वो डेटा को लीक ना करे, डेटा को मिसयूज होने से बचा पाए. टेररिस्ट के पास ये डेटा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज पूरी सिटी रिस्क पर आ जाएगी. यूजर्स लॉग शुड रिकॉर्ड हु इज एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी. पता रहना चाहिए कि एट पर्टिकुलर टाइम कौन डेटा को यूज कर रहा है जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए. आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा. अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है, डाउट को कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको सेशन पसंद आया. पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. If you want to access the notes, you can go to our mobile app. Link is present in the description box below. And I hope you are going to meet me soon in the next class. Thank you so much.